पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमसे गलती किया, दो बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से पलटेंगे? दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार की नजदीकियां फिर से तेजस्वी यादव के साथ बढ़ी हैं? क्या वे एक बार फिर से एनडीए से अलग होकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे? और ये बातें तब ज्यादा शुरू हो गई जब पिछले दिनों ही एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के दौरान दोनों में काफी कुछ बातें भी हुई थी। तो इन बातों से सियासी चर्चाओं का दौर गर्म हो गया कि क्या भीतर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, और क्या इसी कारण से तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात हुई है। तो अब तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार ने स्थिति साफ की है, और आज यानी कि शुक्रवार को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना पहुंचे, और पटना में उन्होंने एक आई हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, तो कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा को आश्वस्त किया है कि वे कहीं नहीं पलट रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव से जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ था, उसमें अब नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने ये बातें कही हैं कि वह इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं पलट रहे हैं। दरअसल आईजीएमएस हॉस्पिटल के परिसर में ही अब एक आई हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, और उसके उद्घाटन के दौरान ही नीतीश कुमार ने ये बातें कही हैं। उन्होंने जब कार्यक्रम को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार के ऊपर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे जी। दरअसल उनका इशारा 15 वर्ष के लालू रावी शासनकाल पर था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया वाले भी उसका खूब छापते हैं, पटना के अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में उसका खूब छापते हैं। नीतीश कुमार ने इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा कि अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, गलती से बीच में दो दफे उसके साथ ले लिए थे, अब नहीं लेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दरअसल अगर आप याद करें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की जो दोस्ती यारी रही, वह वर्ष 2015 में भी देखने को मिली थी, जब नीतीश तेजस्वी एक साथ बिहार में चुनाव मैदान में आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीट एनडीए को बड़े स्तर पर मात देने में सफलता पाई, और तब तेजस्वी यादव पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह जो दोस्ती का सिलसिला था वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका, और वर्ष 2017 में दोनों अलग हो गए। उसके बाद फिर से वर्ष 2022 में अचानक से नीतीश कुमार ने एक बार पलटी मारने का निर्णय लिया, और वे फिर से एनडीए छोड़कर के तेजस्वी यादव के साथ हो गए, और तेजस्वी फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान अब लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बिहार में ये सियासी चर्चाओं का दौर गर्म है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई ऐसी स्थिति में जाएंगे। और पिछले दिनों ही जब तेजस्वी के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो ये बातें और ज्यादा जोर शोर से चर्चा में होने लगी कि संभव है कि शायद बिहार में भीतर खाने नीतीश और तेजस्वी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। तो इसी को लेकर के अब आज आई हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा को आश्वस्त किया है कि वे इधर उधर अब कहीं नहीं जाएंगे, और पिछले दो बार जो उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने साथ लिया था, ये उनकी दो बड़ी गलतियां थी, अब वे ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। और यहां हम आपको यह भी याद दिला दें कि नीतीश कुमार पिछले एक साल के दौरान कई मौकों पर ये बातें दोहरा चुके हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, इन सबके सामने नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि वे इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और वे एनडीए के ही साथ रहेंगे। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने वही बातें आज जेपी नड्डा के सामने भी दोहराई हैं, और यानी कि बिहार में जो सियासी चर्चाओं का, सियासी अटकलों का बाजार गर्म था, उस पर नीतीश ने विराम लगा दिया है कि वे एनडीए के ही साथ हैं, पलटने वाले नहीं हैं। हमसे गलती किया, दो बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग,
लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया,